प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम शासन की पेचीदगियों और इसे आकार देने वाले संवैधानिक ढांचे का पता लगाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स एज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द 26th of January 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। ये दोनों कार्यालय भारत सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति के साथ शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक होता है। इस पद पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वे सरकार के कामकाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में उनकी सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति शामिल है। वे राज्यपालों, राजदूतों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक कानून में बिल पर हस्ताक्षर करना है। किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पास दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से विधायी प्रकृति की होती है। वे राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, मर्यादा बनाए रखते हैं और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करता है। ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति बीमारी, यात्रा या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति विभिन्न औपचारिक कार्य करता है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ काम करते हैं। वे दोनों संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखते हैं और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ तलाशने के लिए है। जबकि हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बुनियादी शक्तियों और जिम्मेदारियों को शामिल किया है, चर्चा के लायक कई अन्य पहलू हैं। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होने के नाते पुरस्कार प्रदान करने, विशेष अवसरों पर राष्ट्र को संबोधित करने और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को प्राप्त करने जैसे महत्वपूर्ण औपचारिक कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। ये जिम्मेदारियां राष्ट्र की एकता और संप्रभुता का प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास कुछ मामलों में क्षमा देने, सजा कम करने और क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है, जो न्याय के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा राष्ट्र की सुरक्षा या अखंडता को खतरा होने पर राष्ट्रपति के पास आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि संकट के समय देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ब, हम अपना ध्यान फिर से उपराष्ट्रपति की ओर मोड़ें। राज्यसभा की अध्यक्षता करने के अलावा उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के बीच सद्भाव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की स्थिति उन्हें संसदीय प्रक्रिया के नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने के साथ साथ निष्पक्ष और निष्पक्ष बहस सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति शैक्षिकी और सांस्कृतिक पहलों को बढ़ावा देने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत की समृद्ध विरासत और विविधता का प्रतिनिधित्व करने में सक्रिय रूप से संलग्न है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपनी अपनी क्षमताओं में भारतीय संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। वे लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और राष्ट्र के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों की इस विस्तारित खोज ने आपको भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में उनकी भूमिकाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान की है। शासन और संवैधानिक मामलों पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत सरकार के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।